निर्मल जी, 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 क्या हुआ? खो गई, खो गई, खो गई, खो गई, खो गई, खो गई, वो खो गई। आपकी पत्नी खो गई? नहीं, बच्ची खो गई? हाँ। आंसू माँ खो गई? ना 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 नहीं। तो भाई छोड़िए ना। अरे कजरी खो गई। कौन कजरी? आप कजरी को नहीं जानते? नहीं। आप कजरी को नहीं जानते? नहीं। आप कजरी को नहीं जानते? 100 बार अगर आप पूछेंगे तो हम यही कहेंगे, नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। जहां पना की भैंस। शाही भैंस कजरी खो गई? हाँ। खूंटे से बांधा था हमने, रात को वहां पे बंधी हुई नहीं थी, लगता है कोई चोर चोरी करके ले गया। जहां पना कौन सी भैंस का दूध पिएंगे, लगता है हम सबका खून पी जाएंगे। बहुत ज्यादा देर नहीं, किसी भी तरह किसी भी तरह कजरी को ढूंढना होगा। ये कह रहे थे सलीम बासु कहाँ हैं? आप दोनों को क्या नींद में चलने की बीमारी है? नहीं 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 दीदी, मुझे पता है, मुझे तो सिर्फ नींद में सोने की बीमारी है। बीमा कजरी? ओ कजरी, कजरी, कजरी। अरे वासु, अब्बा हुजूर की भैंस तो यहाँ पर भी नहीं है। हाँ। ना उस बिस्तर के नीचे होगी भाई साहब। देख, नहीं है। इतनी रात को हमें जगाकर आप लोग भैंस ढूंढ रहे हैं? हाँ, क्योंकि सुबह तक अगर अब्बा हुजूर की शाही भैंस नहीं मिली तो वो हम सबको भैंस बनाकर हम पर भैंसवारी करेंगे। भैंसवारी? अरे मेरी प्यारी भोली दीदी, भैंसवारी ही नहीं पता आपको? जैसे हम घोड़े पर सवारी करते हैं तो उसे घुड़सवारी बोलते हैं ना, वैसे ही जब हम भैंस पर सवारी करेंगे तो उसको बोलेंगे भैंसवारी। अरे वासु, ये गाय है, भैंस ऐसा करती है। हाय अल्लाह, तब तो इस नेक काम में हमें भी हाथ बटाना चाहिए। अरे कजरिया, अरे कजरिया, भैंस ढूंढनी है, ढूंढिए जल्दी से। अरे कजरी कहाँ गई? अरे कजरिया, अरे कजरी, अरे कजरी, अरे कजरिया, अरे कजरी। बलदेव जी, ऐसे हांडे में कहाँ ढूंढ रहे हो? भैंसिया है, चूहिया नहीं। पता पता, हम यहाँ के वजीर आजम हैं, बलदेव, हर मुश्किल का हल बलदेव, समझे? यहाँ ढूंढ रहे थे कि कजरी यहाँ दूध दे के गई होगी, इसीलिए तो जाओ देखो कजरे। अरे कजरी, नहीं, ये बीरबल जी को ना परेशान करने में बहुत मजा आता है, पर कजरिया को रात में ही गायब होना था क्या? और गई तो गई, 2-3 शेर दूध ही देकर जाती, कम से कम जहां पर दूध तो पीने मिल जाता। अब कौन देगा दूध, बताइए आप? दूध कजरी को? अब कहां ढूंढे कजरी को? आपके साथ यार दूसरा कौन था? दूसरा कौन? दूसरा हमने पर्दों के पीछे 2 परछाइयां देखी, एक तो आप थे, दूसरा कौन था? अरे दूसरे तो आप ही हैं बीरबल जी, अकेले आप, अकेले हम, मजा आ रहा है वहम से। अरे कजरी मिली कि नहीं? नहीं शहजादे सलीम, हमने पर्दे के पीछे भी देख लिया, कहीं नहीं मिली कजरी। आप गीले होके कहां से आ रहे हैं? मुझे पता है प्रबल जी, मैं कजरी भैंस को कुएं में ढूंढने गया था।
अरे कुएं में भैंस कैसे जा सकती है? अरे क्या कुएं में भैंस कैसे जा सकती है, क्या पूछ रहे हो आप? आप ही तो हमेशा कहते रहते हो ना, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। तो मैं भैंस को पानी में ही देखने के लिए गया था, कहीं कुएं में नहाने के लिए तो नहीं चली गई ना? राजा बीरबल, पांव फटने को है और अभी तक भैंस नहीं मिली है। अगर कजरी नहीं मिली तो जहां बना तो किसी का खून नहीं पिएंगे राजा दरबान, जहां बना कजरी का दूध ही पिएंगे। पर आप सबको वादा करना होगा हमसे कि जहां पना को इस बात का पता ना चले कि कजरी खो गई है और मिल नहीं रही है। और खासकर वासु जी आपसे निवेदन। अरे बिरबल जी आप चिंता ही मत कीजिए, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, खास करके फूफू को, है ना? लेकिन हाँ, उससे पहले हर नदी नाले तालाब यहाँ तक के समुद्र में भी अगर वो चली गई ना, तो मैं ये पता लगा के रहूंगा कि भैंस पानी में जाती कैसे है। रानी साहिबा, आपके बिना ये पलंग कितना सूना सूना सा लगता है। और हमें देखिए, आपके बिना किस तरह मुरझा गए। जल्दी से वापस आ जाइए रानी साहिबा अपनी सहेली के घर से, आपके बिना गुजारा नहीं हो रहा। ये आपके शाही भैंस का शाही दूध। अरे झुनझुन, शायद आपको पता नहीं, इस दूध की वजह से ही तो हम जिंदा हैं। शाही दूध नहीं है झुनझुन, ये वाही दूध है। वाही मतलब वाहिया दूध है। ये हमारी कजरी का दूध है ही नहीं झुनझुन। हमारे कजरी का दूध निकालने की जिम्मेदारी राजा दरबान की है ना, जरा राजा दरबान को बुला कर लाइए। बुलाइए बुलाइए। जय 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 की हो जहांपना, जहांपना की जय हो, जय हो। अरे वाह, अरे वासु, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? मेरा भी नहीं बंद हो रहा। अरे तुम दोनों के अपने पैर फंसे हुए हैं नीचे। आप सबके सब यहां पर क्या कर रहे हैं? हमारे कक्ष में क्या मेला लगा है? हम कठपुतली का खेल दिखाने वाले हैं क्या? बात क्या है बीरबल? जापना आप रहने दीजिए राजा दरबान जी। जापना आप जरा हमें बताइए, क्या कजरी ने आज दूध नहीं दिया? किसने कहा जापना आपको? आज तो कजरी ने बहुत सारा दूध दिया था। हाँ बहुजूर, और दूध देने के साथ उसने वापस भी ले लिया। कजरी ने दूध वापस ले लिया? 9 साल से हम सिर्फ कजरी के दूध पर जी रहे हैं। अरे हमारे जज्बात जुड़े हैं कजरी के साथ। आप लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन कजरी जैसी कोई नहीं। फुफू, फिर तो समझ लीजिए कि आपके जज्बातों का तेल निकल गया, क्योंकि कजरी कहीं गई पानी में। पानी पीने? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं? बीरबल बात क्या है? जापना बीरबल, जापना सच बात तो यह है कि आपकी कजरी कहीं खो गई और मिल नहीं रही है। आपने खुद सबको मना किया था कि कोई भी फूफू को कुछ नहीं बताएगा, और जरा सा फूफू ने डांटा के आपकी धोती गीली हो गई है। कैसा इंसाफ है ये? बीरबल, आप हमसे कह रहे हैं कि कजरी हो गई? जी जापन। अब्बा हुजूर, हमें तो शक है कोई पड़ोसी मुल्क का मन चला भैसा हमारी कजरी को फैला फुसला कर ले गया है। अब कजरी जवान थी, सुंदर थी, फुसला सकता है भैसा? अरे क्या नहीं नहीं बीरबल जी, शाही खून है हम कितना संभाले, सब कुछ तो आपने बता दिया। खामोश खरगोश, हमारी कजरी चरित्र ही नहीं थी, हमें हमारी कजरी चाहिए चाहिए चाहिए।
वरना आप सब जहन्नुम में जाइए जाइए। सलामत आज तो जरूर आएंगे बनाने आपकी हजामत। कजरी देख हमें, देखिए बीरबल, देखिए हमें, 2 दिन हमने कजरी का दूध नहीं पिया है और कितने दुबले हो गए हम। ये तो अच्छी बात है जब क्या जापना, हमारा मतलब है कि आप दुबले हो गए, आपकी सेहत बन रही है, ये अच्छी बात। सेहत गई तेल लेने बीरबल, हम कजरी के बिना जी नहीं सकते। अगर हमने कजरी का दूध नहीं पिया तो हम सूखे पड़ जाएंगे, बहुत जल्द देखेगा आप बीरबल। इस तक पर हम नहीं, हमारा सूखा हुआ कंकाल बैठा होगा। कजरे हम यहाँ, तू कहाँ कजरे? जापना कजरी को ढूंढने सिपाही गए हैं, हमें यकीन है जल्द से जल्द मिल जाएगी। अपना 2 दिन से आप दरबार में नहीं आए हैं, सारा का सारा काम ठप पड़े, कुछ काम जब तक कजरी नहीं मिल जाती सारे काम ठप ही रहने चाहिए। और आप लोग भी सुन लीजिए, हमारा महल का हर मंत्री, हर सिपाही, हर दरबान, हर सैनिक, जो कोई भी है, सब के सब कजरी को ढूंढने में लग जाएंगे, समझ गए आप? पर अपना बार बार कुछ नहीं बीरबल, ये हमारा फरमान है। तानसेन, कुछ वक्त पहले याद है आपने हमसे क्या कहा था कि आप रागे बुलावा गाकर किसी को भी बुला सकते हैं, जानवर को भी। आपने तो कहा था कि आप तंदूर के अंदर से मुर्गी को भी बाहर निकाल सकते हैं अपना रागे बुलावा गाके। तो रागे बुलावा गाइए, रागे बुलावा गाइए और कजरी को बुलाइए। गाइए गाइए तानसेन, अभी गाइए, गाइए और कजरी को बुलाइए। आपका हुक्म सलाखों पर जा अपना। वो सब ठीक है, गाइए। पेशे रागे रागे बुलावा, रागे बुलावा। सुर में गाइए। झटपट झटपट मोरे डागरिया, झटपट झटपट मोरे डागरिया, ऊपर ऊपर आ जा रे मोरी भैंसिया, झटपट झटपट मोरे डागरिया। अगर डगर के लोग वादे करती हैं, अगर डगर के लोग वादे करती हैं, कहा मर गई मोरी कजरिया। कजरी झटपट झटपट मोरे डगरिया। अब बहुत जोर लगता है, कजरी आ गई। आपने आवाज सुनी, कजरी आ गई, वो आ गई। कुत्ता आया है। ये रागे बुलावा है आपका, ये रागे बुलावा नहीं, रागे छलावा है। कजरी तो बहुत दूर की बात है, आसपास के जितने कुत्ते भी है ना, वो भी अपने कान बंद करके भाग कर चले गए हैं यहाँ से। रागे बुलावा जापना, हमें लगता है आज मुहूर्त सही नहीं है, शायद इसलिए नहीं आए। हम आपको बताएं किस चीज के लिए मुहूर्त सही है आज? आज आपका कैद खाने में जाने के लिए सही मुहूर्त है। सिपाहियों, ले जाओ इस आदमी को और कैद खाने में डाल दो। सिपाहियों, कैद खाने में ठोक दो तानसेन जी को। लेकिन ध्यान रखा जाए, ये हमारे शाही कैदी हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। कमी कैसे होगी, कैसे होगी कमी? आप भी तो होंगे इनके साथ। जी हाँ सिपाहियों, इन्हें भी गिरफ्तार कर लो और कैद खाने में डाल दो। डाल दो दोनों को कैद खाने में। और आप सब लोग भी सुन लीजिए, हमारी कजरी को ढूंढिए, अगर कजरी नहीं मिली तो आप सब भी कैद खाने में जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। ले जाओ इन्हें, ले जाओ, डाल दो कैद खाने में। कजरी कजरी, सुना? अब वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। बकरी है, बकरी आई है, बकरी बकरी आई है।
चिट्ठी न कोई आ भेजा तू छुपी है कजरी रे आ जा आ आ आ, आ कजरी आ गए जापन जापन आ गए जय अरे जय पराजय बाद में होती रहेगी बीरबल पहले ये बताइए कि कजरी का कोई आता पता चला कजरी की खोज जारी है जापन फिलहाल इस शाही फरमान पर शाही मोहर की जरूरत थी हम आपसे पहले भी कह चुके हैं बीरबल जब तक कजरी नहीं मिल जाती सारे काम ठप पर जापन ये आवश्यक है कोई आवश्यक नहीं है पूरे मुल्क का चप्पा चप्पा छान मारा जाए कजरी को ढूंढना बस यही आवश्यक है बस चिट्ठी न कोई आ भी जा तू छुपी है कजरी रे कजरी जापना जापना इस तरह खाने पर छोड़ गया आप कुछ तो खा लीजिए हाँ बहुजूर कुछ तो खा लीजिए हमने सुना है कि इंसान भूखा रहने से सीधा ऊपर भी जा सकता है अच्छा फिर सलीम भाई साहब लोग ऊंची ऊंची मीनारें क्यों बनवाते हैं दिन रात भूखे रहे मीनार से भी ऊपर पहुंच जाएंगे दिमाग खामोश खरगोश खबरदार आप लोगों को ऊपर पहुंचा देंगे हम कजरे जापना की जय हो गुस्ताखी में आप जापना एक बहुत बुरी खबर है रानी साहिबा अपनी सहेली से मिलकर घर वापस लौट रही थी कि रास्ते में ही उनका अपहरण हो गया क्या? ये कैसे हो सकता है रानी साहिबा के साथ तो उनके सिपाही भी थे उनके सिपाही के होते हुए वो अगवा कैसे हो सकती है कहाँ थे सिपाही जापना सारे सिपाही तो कजरी को ढूंढने में लगा दिया आपने आपने फरमान जो जारी किया था कजरी के दुलार में ये हमसे क्या हो गया बीरबल बीरबल हमारे सारे सैनिक हमारी सेना हमारी फौज हमारा खुफिया विभाग हमारे सूंघने वाले कुत्ते सबको रानी साहिबा को ढूंढने के लिए लगा दो हमें रानी साहिबा चाहिए किसी भी हाल में चाहिए जी जी, जी। रानी साहिबा अब्बा हुजूर ऐसा मत करिए अपने आप अपना सर मत पटकिए शाही खून है हम और औलाद आखिर होती किस लिए है मदद के लिए ही ना लाइए हम आपकी मदद करते हैं खून शाही मिट्टी की गंदी धूल सब चले जाइए आप लोग हमें किसी की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ रानी साहिबा चाहिए रानी साहिबा किस हाल में होंगी हमारी रानी साहिबा उनके पास कुछ खाने के लिए भी होगा कि नहीं क्या देख हमारे पास तो खाने के लिए सब कुछ है बैठ जा बीरू बैठ 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 लानत है तुझ पर और पूरे के पूरे शाही महकमे पर लानत है सबके सब मिलकर एक रानी साहिबा को नहीं ढूंढ पाए जापना दरअसल हुआ खड़ा हो जा खड़ा हो जा जापना दरअसल सारे लोग आपकी शाही भैंस कजरी को ढूंढने में लग गए थे फिर अचानक खबर आई कि रानी बार बार कजरी का नाम क्यों ले रहे हैं आप अरे कजरी की रट लगाना तो हमने भी बंद कर दिया हमारी जुबान से सुना आपने कजरी का नाम अरे शाही भैंस है दूसरी आ जाएगी लेकिन हमारी अपनी खुद की जो शाही भैंस है मतलब रानी साहिबा जो है वो लाखों करोड़ों में एक है उनके बिना अब एक पल भी नहीं कट रहा हमारा बहुत याद आ रही है रानी साहिबा की रानी साहिबा सलीम के अब्बू अरे रानी साहिबा हम इतनी आसानी से आपका पीछा भी नहीं छोड़ेंगे रानी साहिबा आप वापस आ गई रानी साहिबा सबसे पहले हमें ये बताइए कौन है वो कमजोर जिसने आपको अगवा किया जहां पना हम एक हट्टी कट्टी राजपूतानी है किसकी हिम्मत जो हमें हाथ लगा सके
अरे हाथ पैर तोड़ के हार बना के उसके गले में डाल देंगे। क्या? आपके कहने का मतलब है कि आपको किसी ने अगवा किया ही नहीं? ये भी कोई अगवा होना होता है? अरे अगवा तो हमारे मैके में लोग हुआ करते थे जापना। और क्या अगवा होते थे, क्या अगवा होते थे। इस जन्म में अगवा होते थे तो अगले जन्म में मिलते थे। हम तो अपने कक्ष में आराम कर रहे थे जापना। मतलब हमें माफ कर दीजिए जापना, दरअसल रानी साहिबा तो अपने सहेली के यहाँ से 4 दिन पहले ही सुरक्षित महल में लौट गई थी, पर आपने उस शाही भैंस कजरी के चक्कर में अपना हाल कुछ ऐसा बना लिया था कि। और जब बीरबल ने हमें यह जानकारी दी तो हमने और बीरबल ने मिलकर ये नाटक रचा ताकि आपके सिर से ये शाही भैंस का भूत निकल जाए। अरे क्या ये? अरे बुबू आप लोग मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? मुझे पता है कि मैंने कचरी भैंस को ढूंढ निकाला है। क्या? क्या? यही महल के बगल में एक गीली मिट्टी के गड्ढे में लोटपोट होके घुसी पड़ी थी, मुझे उसकी पूछ दिख गई, मैंने पूछ को खींचा बाहर, भैंस बाहर और मैं अंदर बीमार। मुबारक हो जहांपना, देखिए ना हम अपने साथ एक खुशखबरी लेकर आ गए। मानना पड़ेगा वासु, आज सचमुच में मानना पड़ेगा कि आपके पास है दीवार। वैसे उस गड्ढे की तरफ आप गए क्यों थे? चलिए खैर, जब अंध भला तो सब भला। बीरबल, गुस्से में हमने तेरा राजा दरबान और तानसेन को कैदखाने में भेज दिया था, आप एक बार जाकर उन्हें बा इज्जत बरी करके बाहर निकाल लीजिए। जी जापन। वैसे बीरबल मानना पड़ेगा आपने अपने अनोखे अंदाज एक बार फिर। जापना, अंदाज तो आप ही का लाजवाब। हाँ बीरबल, रानी साहिबा हम आ रहे हैं। अपनी जान हम भी आ रहे हैं। बुबे देखा आप लोगों ने, अपनी शाही भैंस कजरी को ढूंढते ढूंढते जापना रानी साहिबा को खो ही चुके थे। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है दोस्तों, हम अपने किसी छोटे से नुकसान को बचाने की कोशिश में अपना बड़ा सा नुकसान कर लेते हैं। ऐसे मामले में अकल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अकल बड़ी अब है। क्यों, समझ में आया?